गुड इवनिंग एवरीवन, ऑडियो को बता दीजिएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ऑडियो को बता दीजिएगा। गुड इवनिंग जॉन जी। ओके जी, थैंक यू आप कंफर्म करने के लिए। ऑडियो क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। दिस इज़ आर 9th लेक्चर इन दिस सीरीज और हम लोगों का एक ही मकसद है इस पूरी सीरीज से कि आप लोगों को एक आइडिया मिले कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। सो माई नेम इज़ पवन कम्बोज। मैं हिस्ट्री करंट अफेयर और इन्वायरमेंट क्लासेस लेता हूँ। आई हैव डन माई UGC नेट इन हिस्ट्री एंड 5+ ईयर एक्सपीरियंस हो गया मेरे को पढ़ाते पढ़ाते। ये सारे एग्जाम्स का मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के बारे में आइडिया चाहिए हो या बेसिक प्रिपरेशन कैसे करते हैं उसका आइडिया चाहिए हो तो आप मेरे को इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे मैं आज आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर भी करूँगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 से। 138 तक क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों के डिस्कस हो चुके। क्वेश्चन नंबर 139 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 पूछ रहा है परम गंगा क्या है। आप सब लोग बताइए कमेंट सेक्शन में व्हाट इज परम गंगा। क्वेश्चन नंबर 139 परम गंगा क्या है। तो देखिए ये एक सुपर कंप्यूटर है जिसकी कैपेसिटी है 1.66 पेटाफ्लॉप की। जिसकी कैपेसिटी है 1.66 पेटाफ्लॉप्स की। अब आप लोगों के लिए एक एडेड इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, जितने भी सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनकी स्पीड को आप GB TB में नहीं नापते, रादर देन आप फ्लॉप्स में नापते हैं। तो अगर आपको सुपर कंप्यूटर की स्पीड को कंपेयर करना है तो जिसके पेटा फ्लॉप ज्यादा हुए वो उतना ज्यादा तेज हो। ये परम गंगा को स्टैब्लिश किया गया है एट IIT रुड़की। IIT रुड़की कौन से स्टेट में आप लोग बताएंगे, कौन से स्टेट में है जी IIT रुड़की। बताएं कौन से स्टेट में IIT रुड़की। ये है आपके उत्तराखंड में। अर्ली एरा में जो सबसे शुरुआत में टेक्नोलॉजिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ वही रुड़की बाद में डेवलप हुआ इन द फॉर्म ऑफ IIT रुड़की। तो ये उत्तराखंड में है, रुड़की डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। ठीक है जी। तो इससे पहले आप लोगों को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इंडिया का एक मिशन है सुपर कंप्यूटर का जिसको कहते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन
ठीक है जी। सुपर कंप्यूटर ये होता है कि जो बहुत हाई स्पीड पे कोई भी ऑपरेशन करे उसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। स्पीड नापने के लिए फ्लॉप इस्तेमाल किया जाता है या पेटा फ्लॉप भी इस्तेमाल किया जाता है। पेटा फ्लॉप थोड़ी और ऊपर की इसकी एक यूनिट है। सबसे ज्यादा अगर सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो चाइना के पास सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर है, उसके बाद यूएसए के पास है, फिर जापान के पास है, फिर फ्रांस के पास, जर्मनी के पास। तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर किसके पास है? चाइना के पास, फॉलोड बाय यूएसए। इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम भी अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं, दैट वॉज परम 8000। तो आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। एक मैंने आपको बताया कि सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड नापी जाती है पेटाफ्लॉप्स में, परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर था, और परम गंगा भी एक सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगणक, ये सब सुपर कंप्यूटर्स हैं। आई रिपीट, आप लिख लीजिए, परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगणक, ये सब सुपर कंप्यूटर है। तो ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है इसको देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका काम यह है कि बेस्ट सुपर कंप्यूटर, बेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड कराना है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड कराना है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 140 पे अब चलते हैं। इनमें से कौन सा देश एशियान का मेंबर नहीं है? देखिए आप लोगों को मैं थोड़ी सी चीज बताता हूं। आप लोगों से अगर मैं एक सवाल पूछूं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सवाल है, आर्टिकल 239AA किसके साथ एसोसिएटेड है? आर्टिकल 239AA किसके साथ एसोसिएटेड है? बताइए। इस क्वेश्चन से डिस्कस करने पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं, आप लोग समझिएगा। आर्टिकल 239AA किसके साथ एसोसिएटेड है? ये एशियन वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जो मैं सिखाना चाह रहा हूं आप उस पर पहले फोकस करिए। आर्टिकल 239AA, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, नो आइडिया, क्योंकि यही प्रॉब्लम है। जिन भी बच्चों को करंट अफेयर में प्रॉब्लम होती है ना, आप लोग कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर फॉलो करना स्टार्ट करें, कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर फॉलो करना स्टार्ट करें, आपको ये जो बाद में ये याद करना पड़ता है ना, ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आदित्य चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली, जी हाँ, 239AA स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके तहत दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिला और दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली मिली। अब ये पिछले 15 से 20 दिन लगातार न्यूज में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर दिल्ली की सरकार के पास है, पर अब फिर से गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लाके ये सारी पावर एलजी को देना चाह रही। 239AA पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पॉइंट बिंग ये कि आपको पूरा टॉपिक भी पता होना चाहिए। अब वो आपसे पूछ लेगा कि आर्टिकल 239AA किसके साथ एसोसिएटेड है, और फिर जब आप बाद में देखेंगे आपको लगेगा कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रटना पड़ता है। नहीं, जो चीजें न्यूज में रह रही होती हैं वो आपसे पूछ लेगा। अब मान लीजिए 1 से 2 महीने के अंदर कोई भी पेपर होगा, वो पूछेगा आर्टिकल 239AA किससे एसोसिएटेड है। तो किससे एसोसिएटेड है?
हमारी जितनी भी यूनियन टेरिटरी है सिर्फ दो जगह चीफ मिनिस्टर है, एक है पुडुचेरी में और एक है दिल्ली में, ठीक है जी। तो ये दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर इसी एक्ट से आती है, इसी आर्टिकल से आती है। पॉइंट मेरा क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस और नो बताएं। दूसरा सवाल, अगर मैं ही एग्जामिनर हूं, मैं आपसे पूछ लूंगा कि एनसीबी इतना न्यूज में रहा है शाहरुख खान वाला इशू की वजह से, कि एनसीबी का हेडक्वार्टर कहां है या एनसीबी की फुल फॉर्म क्या है? सो आपको पीछे नहीं भागना है, आपको एग्जाम को प्रिडिक्ट करना है। अगर आपके प्रिडिक्ट किए हुए 4 से 5 क्वेश्चन भी आ गए ना, आप समझिए आपको कितना ज्यादा एडवांटेज होगा, कितना ज्यादा एज होगा आपके फेलो कंपटीटर्स के साथ। सो ऐसे प्रिडिक्ट की जाती हैं चीजें। बताइए एनसीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूज में रहा है, 3 महीने 4 महीने लगातार न्यूज में रहा है, अब फिर न्यूज में है। तो एनसीबी का हेडक्वार्टर पूछ लेगा या पूछ लेगा एनसीबी कब इस्टेब्लिश हुई, एनसीबी की फुल फॉर्म पूछ लेगा। बस यही तलांग जी, मैं वही कह रहा हूं ना, ये शायद नहीं होना चाहिए, शायद नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये दिल्ली में और ये एस्टेब्लिश हुई 1986 में और फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म है और एस्टेब्लिश हुआ 1986 में और हेडक्वार्टर है दिल्ली में। मुंबई में इसका जोनल हेडक्वार्टर है। मुंबई, इंदौर वगैरह सब जगह इनके जोनल हेडक्वार्टर से। तो आपसे कभी यह नहीं पूछेगा कि आर्यन खान के पप्पा से कितने पैसे मांगे गए या आर्यन खान की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है। पॉइंट मेरा आप समझिए, जो एजेंसी न्यूज में रहेगी उसका नाम पूछ के उससे रिलेटेड सवाल पूछ लेगा। रिचि जी, जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं और ये जो आप नेचर की बात कर रहे हैं, नेचर ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप पे डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स कैसे आते हैं। तो मैं सॉरी, मैं इस क्वेश्चन को भी स्किप करूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे अब वापस आते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों ने सुना कि रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपसे पूछ लेगा किसी रेसलर के गोल्ड मेडल के बारे में, ये भी आपका न्यूज हो गया कि कौन सा रेसलर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आया। समझ, ठीक है जी। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो ये मैं पीवाईक्यू जब डिस्कस करा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को आपको क्वेश्चन रटवाने हैं, या क्वेश्चन ये शायद क्वेश्चन रिपीट भी ना हो, पर आप लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे इंडिया G20 होस्ट कर रहा है, आप लोग बेवकूफी करेंगे अगर G20 के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तातक जी, इट्स अवेलेबल ऑन फेसबुक, यूज दैट। यार श्योर रिचि जी, G20 के बारे में अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग बेवकूफी करेंगे, दैट विल बी ब्लंडर ऑन योर पार्ट। ठीक है जी। अब तो इसी तरीके से आप ये सारे टॉपिक लिखते जाइए और इनके बारे में खुद पढ़िए। हम भी अपने लेवल पे वीडियो बनाते हैं, हम भी अपने लेवल पे लेक्चर बनाते हैं, पर आप लोगों को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। G20 अगर इंडिया होस्ट कर रहा है तो एग्जामिनर भी तो सवाल पूछेगा ना। तो इसका सही जवाब है, एशियान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एशियान में इंडिया मेंबर नहीं है। तो एशियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। इसमें 10 मेंबर है, इसमें टोटल 10 मेंबर है, और ये पहली बार जो इसका चार्टर सामने निकल गया, दैट इज 2008। एग्जैक्टली अल्लाह जी, मैं वही समझा रहा हूं।
कि 2008 में एशियान का फाइनल आउटकम निकल के आया, जो फाइनल चार्टर साइन होना था वो निकल के आया। और इसके बारे में देखिए, जब भी कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो पहले वो देश मिलके डिस्कस करते हैं, डिस्कस करते करते फिर फाइनल जब रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाते हैं तो वो चार्टर इशू होता है। तो पहली बार ये लोग बैंकॉक में मिले थे, बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल, इन 1957। और इन्होंने बोला कि हम सब लोगों को एक ग्रुप बनाना चाहिए, पर ये फाइनली इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने 2008 में, और इसमें 10 मेंबर्स हैं। 10 मेंबर में म्यांमार आता है आपका, म्यांमार के अलावा जो बाकी सारे देश आपके आते हैं, जो आपको कंट्रीज की लिस्ट दिखती है साउथ ईस्ट एशिया में, म्यांमार के अलावा फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, जो 10 की 10 कंट्रीज है। ठीक है, 10 देश में कौन कौन से आते हैं? कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई। इस लॉजिक से आप इसका आंसर अल्लाह जी दे सकते हैं, पर कई बार ये लॉजिक में चीजें फेल हो जाती हैं, लेकिन ये आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इंडिया इज द करेक्ट आंसर, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अगर आप लोगों को जो मैं करता हूं, जो मेरा काम है, वो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। G7 की आप बात कर रहे थे, कोई G7 पूछ रहा था इज रिलेटेड टू एशिया। नो, G7 और डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, इनके जो 7 लोगों का ग्रुप है इसको G7 कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस इकोनॉमी वाली या 7 मेजर डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है। तो G7 अलग है, G7 अलग है, G7 जितनी भी डेवलप कंट्रीज है, कनाडा, यूएसए, फ्रांस, जापान, ठीक है, और आप अपने हिसाब से डेवलप कंट्रीज का नाम सोचिए, इटली, यूके, जर्मनी, यूके, इटली, जर्मनी, जिनको हम कहते हैं कि ये सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनको G7 कहा जाता है। तो ये G20, G7, खाली G कॉमन है, बाकी में बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पे मूव करते हैं। थायो मार्गरीटा मैग्निफिका क्या है? थायो बताइए, थायो मार्गरीटा मैग्निफिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 141। प्रॉबेबली डी, ओके, एनीवन एल्स? अब देखिए, ये जब आपके एग्जाम में आया होगा उसी के जस्ट पहले ये डिस्कवर किया गया था। सो ये 2022 की न्यूज है। डी पे 50-50, केबीसी नहीं खेल रहे हैं पाकतर जी, पर यहां पे कोई मैं इनाम भी नहीं दूंगा आपको। तो ये जून की न्यूज है। अब आप लोग अगर थोड़ा भी अखबार पढ़ते होते तो आपको ये पता होता, ये इतना बड़ा बैक्टीरिया है जो कि आपको आंखों से दिख सकता है, 1 सेंटीमीटर साइज का बैक्टीरिया है, 1 सेंटीमीटर साइज का बैक्टीरिया ये।
ठीक है जी, जो रेड मैंग्रोव स्वाम्प के ऊपर मिला था, तो मैंग्रोव के पत्तों के ऊपर ये देखने को मिला। नॉर्मली बहुत छोटे होते बैक्टीरिया, उनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। और जितनी स्टीरियोटिपिकल डेफिनेशन है कि बैक्टीरिया बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये इस बैक्टीरिया के मिलने के बाद उस पर सवाल उठ जाता है कि अगर कोई 1 सेंटीमीटर लेंथ का है बैक्टीरिया, तो हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं? क्या पता ऐसे और बहुत सारे बैक्टीरिया हो। तो 1 सेंटीमीटर इन लेंथ है ये। सो आंसर इज ए, ये सिंगल सेल 1 सेंटीमीटर का है। बाकी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनसे 5000 टाइम बड़ा है ये। जैसे छोटा मोती होता है बीड, उस साइज का ये। तो आंसर इज ए। अब ये जून में मिला था, जून 2022 में, इसलिए सवाल आया। क्वेश्चन नंबर 142। अब इस पे अगर किसी ने गलत जवाब दिया, इस पे अगर किसी ने गलत जवाब दिया या जवाब नहीं दिया, तो फिर तो माता रानी के हवाले ही मैं छोड़ दूंगा आप लोगों को। ये ऐसा सवाल है, जब से मैं क्लास 6 में हूं तब से ये सवाल पूछा जाता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब संविधान लिखा गया तो उसको ड्राफ्ट, यानी आप देखिए जब मैसेज लिखते हैं ना, और मैसेज आप सेव ना करें तो ड्राफ्ट में चला जाता है, तो यानी रफ पहले लिखा गया, उसके बाद उस पर डिबेट डिस्कशन हुआ और फिर फाइनल हुआ। ठीक है जी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर थे, जिसके हेड थे, चेयरमैन थे B.R. अंबेडकर साहब। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट किया जाएगा, ये जिम्मेदारी किसकी थी? इस ड्राफ्टिंग कमेटी की। ये ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी ऑन 29th of August 1947। 29th of August 1947 को ये सेटअप हुई थी। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले बन गई थी, पर ये ड्राफ्टिंग कमेटी बाद में बनी, और तब तक बाकी सारी टीम ना कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ रही थी दुनिया भर की। और इसने पहली बार इसकी मीटिंग हुई 30th अगस्त 1947 को। सो जो पहली इसकी मीटिंग हुई 30th अगस्त 1947 को इसकी पहली मीटिंग हुई, और इसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, ड्राफ्ट करना। फिर इस ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होती थी। मान लीजिए किसी नेता ने बोल दिया कि आपने ऐसा प्रोविजन क्यों डाला या आर्टिकल 32 क्यों डाला, तो उसको डिफेंड करते हुए अंबेडकर साहब या ये ड्राफ्टिंग कमेटी अपना लॉजिक देती थी। तो हर एक प्रोविजन पे डिबेट डिस्कशन हो, उससे पहले एक रफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, वो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था। और जब वो क्लियर हो गया डिबेट डिस्कशन के बाद, तो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी कमेटी ने फ्रेम किया, लिखा, ड्राफ्ट किया। आप में से कोई B.R. अंबेडकर के अलावा किसी और का नाम बता सकता है? B.R. अंबेडकर साहब के अलावा कोई और किसी का नाम बता सकता है? K.M. मुंशी साहब थे, उसके अलावा N. गोपाला स्वामी थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के मुंशी जी थे, मोहम्मद सदुल्ला, B.L. मित्तर, D.P. खेतान, ये सब लोग थे। ठीक है जी, तो टोटल 7 लोग थे। तो आप लोगों के लिए इतनी इंफॉर्मेशन आई गेस इनफ है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। तो आप लोग, माधव राव जी भी थे, यस पटेल, देखिए जितने भी बड़े नाम आप बोल रहे हैं,
बड़े नामों में से कोई भी बड़ा नाम नहीं था, ना राजेंद्र प्रसाद थे, ना जवाहरलाल नेहरू थे, और ना ही सरदार पटेल थे। ये सब अलग अलग कमेटीज के मेंबर थे, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे के एम मुंशी साहब, बी एल खेतान साहब, जो वकील थे ज्यादातर लोग, कृष्णा स्वामी अय्यर साहब, सदुल्ला साहब, ठीक है जी। तो जो बड़े नेताओं का अगर कभी भी नाम आए, तो बड़े नेता कोई भी बड़ा नेता नहीं था। एन गोपाला स्वामी साहब, ठीक है जी। तो इस सात मेंबर थे। डीपी खेतान और बीएल मित्तर साहब की डेथ के बाद दो नए मेंबर जोड़े गए थे, जिनका नाम था एन माधव राव और टीटी कृष्णमाचारी। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, सातों मेंबर्स के नाम आप देखिएगा। इसको याद करने की कोशिश तो नहीं करिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, वन टाइम रीड। क्वेश्चन नंबर 143 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। इसके बारे में कुछ फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं। अर्थ समिट ये एक यूनाइटेड नेशन का इवेंट था और ये 1992 में हुआ था। अब यहीं से सवाल उठ के आता है, ये जो रियो डी जेनेरियो, ये कौन से देश में? ये कौन से देश में? तो ये ब्राजील में, बहुत सारे बच्चों को ये भ्रम है कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील की कैपिटल है, पर नहीं, ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, ठीक है जी। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ और एक यूनाइटेड नेशन का एक इवेंट था। इसका दूसरा नाम भी है, इसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है। वो जो दूसरा नाम है, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको यूएनसीईडी भी बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो कई बार ये हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि ये कौन से साल में हुआ था, रादर देन रियो डी जेनेरियो समिट या रियो अर्थ समिट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज वन एंड सेम, शक्तिमान ही गंगाधर है यहां पे। शक्तिमान ही गंगाधर है यहां पे, याद रखिएगा। इस टाइम, इस पर्टिकुलर मीटिंग में तीन इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई। पहला निकल के आया फॉरेस्ट प्रिंसिपल, सेकंड एजेंडा 21, एंड थर्ड जो सामने निकल के आया रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। थर्ड क्या है? रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। आपसे पूछ लिया जाएगा एजेंडा 21 किससे एसोसिएटेड है। तो एजेंडा 21 बात करता है 21st सेंचुरी के डेवलपमेंट के लिए। आप में से कितने लोगों ने रब रब ने बना दी जोड़ी देखी है?
अपने बना दी जोड़ी वो शाहरुख खान वाली मूवी की, जिसमें शाहरुख खान मूछों के और बिना मूछों के आता है अनुष्का शर्मा के सामने, और अनुष्का शर्मा उसको पहचान नहीं पाती। ऐसा सिर्फ पिक्चरों में होता है, रियल लाइफ में आपको पता होना चाहिए कि जो शाहरुख खान है दोनों फॉर्म में आ रहा है, वैसे ही रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एक ही है। ठीक है, वो पिक्चरों में होता है, ऐसी गलती नहीं करनी। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, मोजाइक मिशन क्या है? जूली जी फिर आपको तो सीआईडी ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन मास्क से तो पहचान ही लेते हैं। पॉइंट बिंग ये है कि इलॉजिकल मूवीज बना देते हैं लोग और हम लोग भी देख के खुश हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं हीना जी, अगर नहीं देखा तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है कि हाँ, उस पूरी मूवी से ज्यादा इंटरेस्टिंग ये लेक्चर है, देख सकते हैं। मोजाइक मिशन किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144, मोजाइक मिशन ये क्लाइमेट चेंज की बात करता है ऑन आर्कटिक। तो ये एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि आर्कटिक में क्लाइमेट चेंज को स्टडी कर रहा है। तो मोजाइक मिशन के बारे में आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि 2019 में स्टार्ट हुआ था, और ये आर्कटिक रीजन में क्लाइमेट चेंज के क्या क्या स्टेप हो रहे हैं, कैसे आर्कटिक रीजन में क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट हो रहा है, वो सब यहाँ पे स्टडी हो रहा है। आंसर इज इसका डी। मोजाइक की फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी। मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी इसकी फुल फॉर्म है। मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है जी। तो ये आर्कटिक की स्टडी पे क्लाइमेट चेंज वगैरह स्टडी करेगा आर्कटिक में जाके। इसके मेंबर कौन कौन है? इसमें जर्मनी की, यूएसए की, रशिया की, अलग अलग एजेंसीज हैं जो मिलके इसको प्रोजेक्ट पूरा फॉलो करेंगे, और इसकी कॉस्ट है 120 मिलियन डॉलर, सॉरी 120 मिलियन यूरो इसकी कॉस्ट है। 17 कंट्रीज का लगभग इन्वॉल्वमेंट है। सो आंसर इज डी, क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 145, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक इज ऑब्जर्व एवरी डे, सॉरी एवरी ईयर ऑन। क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर जल्दी से बता दीजिए। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक, सुप्तलांग जी का आंसर है डी। मार्शल जी एस देख के अगर आप लगा देते तो एग्जामिनर भी जेड देख के जीरो कर देता। आप लोगों को मैं एक चीज समझाऊं, जो गैस होता है ना, वो गैस किसी ना किसी लॉजिकल आर्गुमेंट के ऊपर होना चाहिए। लॉजिकल आर्गुमेंट क्या होता है कि आपको एक से दो एग्जाम, दो ऑप्शन आपको पता है कि ये श्योरली नहीं है, आपने थोड़ा बहुत कहीं सुना है, आपको रफ आइडिया है,
ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं होता कि हाँ जी कटरीना के नाम से के ए टी आर आई एन ए, अच्छा सी आंसर होगा। कई बार ये काम कर जाएगा, कई बार काम नहीं करेगा। या ये कि हाँ जी पिछले तीन आंसर सी हैं तो इस बार सी नहीं होगा, इस बार ए बी डी में से किसी को मार्क कर देते। तो लॉजिकल होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो आंसर इसका है डी, जून 29 को ये सेलिब्रेट किया जाता है। जून 29 को ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो भी चैलेंजेस है ट्रॉपिक एरिया ऑफ द अर्थ में, जो लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उसको टैकल किया जा सके, उसको देखा जा सके। इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक हर साल 29 जून को मनाया जाता है। और ये एक यूएन का इवेंट है, यूएन का इवेंट, ठीक है। सो 29 जून ये सेलिब्रेट किया जाए जाता है, और अभी भी 29 जून में मनाया जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 146। करंट अफेयर याद करने का एक ही तरीका है, न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है जी, डेली के बेसिस पे पढ़िए, उसके बाद वीकली रिवाइज करिए, वीकली के बाद एक रिवीजन मंथली करिए। आप, मैं गारंटी लेता हूं, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। देखिए दिमाग वैसे ही काम करता है, दिमाग वैसे ही काम करता है, आपको मल्टीपल टाइम एक चीज को प्रोसेस करना पड़ता है। मैं आप लोगों से आपका नाम पूछूं आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि रोज आपका नाम आपको बुलाया जाता है, आपको पता है आपका नाम क्या है। इसी तरीके से आपको, जी हाँ, पीडीएफ मिलेगा। इसी तरीके से आपको एक ही इंफॉर्मेशन को मल्टीपल टाइम प्रोसेस करना होता है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव कहाँ मिली है? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव हैज बीन रिसेंटली, तो ये जगह है मलहम पे, जो कि माउंट सोदोम है, जो कि इजराइल का लार्जेस्ट माउंटेन है। माउंट सोदोम में, जो कि इजराइल का सबसे लार्जेस्ट माउंटेन है, वहां पे आपको मिला है, और जगह का नाम है मलहम, और ये कहां पे है? इजराइल में। ऋषि जी न्यूज़पेपर कोई भी पढ़िए, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, पर डेली पढ़िए। ये मेरा पर्सनल मानना है कि कोई भी किताब खराब नहीं होती और कोई भी न्यूज़पेपर खराब नहीं होता। जो दुनिया में इंपॉर्टेंट खबर आई है वो तो आएगी ही, तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, यूट्यूब आपके पास है, ट्विटर है, आप ट्विटर फॉलो करिए, यूट्यूब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर पॉइंट बिंग ये कि आप एक ही सोर्स को, जैसे द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, या कोई रीजनल न्यूज़पेपर भी आप रख सकते हैं, पर उसको डेली पढ़ना। मैं आप लोगों को एक बहुत जेन्युइन फैक्ट बताऊं, मैं 6th से 7th और 8th क्लास की बुक से भी ना सवाल आपको दूंगा ना आज। मैं खुद भी अगर बहुत सारे एमसीक्यू से खुद ट्राई करूं, तो ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे जो मुझे आज भी नहीं आते होंगे। आप जो भी पेपर देते हैं ना एपीएसएसबी के या बाकी, अगर आप एनसीईआरटी 6th से 10th को दोबारा देख लेंगे ना, तो आपको 10 से 15, 15 से 20 क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे, जो स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, सब पढ़ा पूछा जाता है वहीं एनसीईआरटी से, यस और नो। कितनी बार पूछ, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन एनसीईआरटी का टॉपिक। ब्लड ग्रुप वाला सवाल एनसीईआरटी का टॉपिक। बीमारियों के ऊपर टॉपिक है, डिसीज की, नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है,
स्कर्वी बीमारी किससे होती है, ये सारे सवाल रिपीट होते हैं। तो कभी भी एग्जाम देने जाइए, मैं आपको सजेशन दूंगा, जिनको भी करंट अफेयर से डर लगता है, आप छठी से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, जिनको भी जीएस से डर लगता है, साथ में एक न्यूज़पेपर फॉलो करिए, और साथ में हम लोग तो हैं, ये आप लगातार 6 महीने कर लीजिए ईमानदारी से, ना आपका सिलेक्शन हो तो फिर देखिए। कुछ जो भी स्टैटिक चीजें हैं ना, आपकी एनसीईआरटी से बेटर सोर्स मुझे नहीं लगता, जो भी स्टैटिक जी के पूछा जाता है वो सब एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगा। और ये जो जैसे ये सवाल है, ये सब करंट अफेयर के सवाल है, इसके लिए न्यूज़पेपर है, हम लोग हैं, तो इसका आंसर है बी, इज़राइल। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है इंडिया इज इंडिया फर्स्ट। तो इसका आंसर है ये अंडर वाटर मूड ऑब्जर्वेटरी है, और ये कहां पे, ये नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच में 192 मीटर की डेप्थ में इसको लगा रखा है। इसका काम है ऑब्जर्व करना चीजों को, ठीक है। ऑब्जर्वेटरी बड़ा सिंपल सी बात है, ऑब्जर्व करना है। कॉन्ग्स जॉर्डन फ्योर्ड में, यानी नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच में ये लगाई हुई है, और इस कितनी डेप्थ पे, 192 मीटर डेप्थ पे। कौन सी जगह पे, अब इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप लोग देख लीजिएगा, 192 मीटर पे। तो ये ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है जी, ऑब्जर्वेटरी इससे जो डाटा आता है वो देखने की कोशिश करता है कि आर्कटिक में क्या क्या चीजें हो रही हैं, वहां पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। इसका रिसर्च गोल क्या है कि आर्कटिक के क्लाइमेट को देखना है, और उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है मॉनसून पे, उसको समझना है। सो आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये क्वेश्चन क्लास 6 की एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, पता है क्लास 6 की एनसीईआरटी में है ये, हिस्ट्री में आप देखेंगे। क्वेश्चन है फेमस डांसिंग गर्ल कहां देखने को मिलती है, तो ये डांसिंग गर्ल का कॉपर आर्टिफैक्ट कौन सी साइट में देखने को मिलता है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। देखिए इसका आंसर है सिंध में मोहनजोदड़ो है, जो यहां पे आपको देखने को मिलती है, ये ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ये आज की डेट में पाकिस्तान में और यहां पे ही आपको देखने को मिलता है द ग्रेट बात। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आपके आसपास कोई फिफ्थ सिक्स में बच्चा पढ़ता हो जो एनसीईआरटी वगैरह फॉलो करते हैं, आप देखिएगा उस किताब में ये, इन्हीं में चार सवाल घूम घूम के पूछे जाते हैं। आप आज लिख लीजिए, एक सवाल पूछा जाता है डॉकयार्ड कहां देखने को मिलता है, इसी यही ऑप्शंस के साथ। दूसरा पूछा जाएगा ब्रोंज डांसिंग गर्ल, जो कि ये सवाल है,
तीसरा सवाल पूछा जाएगा फायर एल्टर कहां देखने को मिलता है। चौथा सवाल पूछा जाएगा द ग्रेट बात कहां देखने को मिलता है। पांचवा पूछा जाएगा इनमें से ड्रेनेज सिस्टम किसका सबसे अच्छा था। छठा सवाल पूछा जाता है वुडन प्लफ कहां देखने को मिलता है। और ये छह के छह आंसर इन चारों के बीच में ही है। एक सवाल भी पूछा जाता है ग्रीनरी कहां कहां देखने को मिलता है। तो आप समझिए कि इन चारों ऑप्शंस और यही सवाल इतनी बार रिपीट होते हैं जिन लोगों ने मेरे से हिस्ट्री पढ़ी है उन लोगों को ये पता होगा। डॉकयार्ड लोथल में, ब्रोंज डांसिंग गर्ल आपको कहा मोहनजोदड़ो में, फायर एल्टर लोथल और कालीबंगन दोनों में, लोथल और कालीबंगन दोनों में, द ग्रेट बात मोहनजोदड़ो में, ड्रेनेज सिस्टम सबसे अच्छा किसका था मोहनजोदड़ो का, वुडन प्लफ कहां देखने को मिलता है कालीबंगन में, ग्रेनरी हड़प्पा में भी है, मोहनजोदड़ो में भी माना गया कि ग्रेनरीज है, हड़प्पा वाली काफी ज्यादा पॉपुलर है। देन पूछा जाता है कि वाटर हार्वेस्टिंग कहां देखने को मिलती है, धौलावीरा में। ये आठ ऐसी चीजें आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वाटर हार्वेस्टिंग कहां पे, धौलावीरा में। क्लियर है जी, याद रहेगा। एग्जामिनर ने हड़प्पा से सवाल पूछना है जी। मर्सल जी, मैंने इतने डिटेल में इतने अच्छे तरीके से हिस्ट्री पढ़ाई है आप लोगों को। डॉकयार्ड मिलता है लोथल में, ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिलता है मोहनजोदड़ो में, फायर अल्टर देखने को मिलता है लोथल कालीबंगन में, द ग्रेट बात देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो में, ड्रेनेज सिस्टम कहां देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो में, वुडन प्लफ कहां देखने को मिलता है, वुडन प्लफ देखने को मिलता है कालीबंगन में, ग्रेनरी हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, और वाटर हार्वेस्टिंग धौलावीरा में। माउंट ऑफ डेड कहते हैं, डेड ऑफ वैली नहीं, माउंट ऑफ डेड। इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई है जो कि अपलोड हो जाएगा, वो शॉर्ट वीडियो है, अराउंड 15 मिनट में मैंने सारे हड़प्पा के टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं आईवीसी के, तो वो आपको यूट्यूब पे और फेसबुक चैनल पे दिख जाएगा आपको, मेरा ही बनाया हुआ वीडियो, इसको आप जरूर गो थ्रू करिएगा। क्वेश्चन नंबर 149, जब मनी सप्लाई अवेलेबल गुड एंड सर्विसेज को इंक्रीज कर देती है तो इसकी वजह से क्या होता है, यानी बाजार में अगर मनी सप्लाई बढ़ गई तो उस फेनोमिना को क्या कहते हैं। उस फेनोमिना को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। कैसे इन्फ्लेशन कहते हैं, मान लीजिए गुड एंड सर्विसेज कम है, अवेलेबल गुड एंड सर्विसेज कम है, एक ब्रेड का पैकेट है उसकी कीमत है 10 रुपए, पर वो पैकेट सिर्फ दो ही है और लेने वाले ग्राहक हैं पांच, तो पांच कस्टमर आ गए। अब इस दुकानदार के पास ये मौका है कि वो 10 रुपए की चीज को भी महंगा बेच सके, क्योंकि चाहिए पांच लोगों को, है दो लोगों, है दो ही पैकेट, तो कोई कहेगा कि मैं तुमसे 10 रुपए वाला पैकेट 100 रुपए में खरीदने को तैयार हूं, कोई कहेगा मैं 200 में खरीदने को तैयार हूं क्योंकि मुझे ब्रेड चाहिए। तो क्या हुआ, मनी सप्लाई ज्यादा है लेकिन गुड्स कम है, इसको कहते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन। इसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सेट करती है रेपो रेट। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रही है इसका मतलब वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है,
और अगर आरबीआई रेपो रेट को कम कर रही है, इसका मतलब सरकार कह रही है थोड़ी बहुत महंगाई है तो चलेगा। सो द आंसर इज इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया में क्या महंगाई नहीं है जी? श्रीलंका में हो रहा है, दुनिया भर में महंगाई है, इंडिया में बहुत महंगाई है, इंडिया में खुदरा महंगाई काफी ज्यादा रेट पे चल रही है। तो द आंसर इज ए इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 150, कैलाशनाथ टेंपल एट एलोरा कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया? अगेन ये हिस्ट्री का सवाल है, कैलाशनाथ टेंपल एट एलोरा। मैं जब अजंता एंड एलोरा केव्स पढ़ाता हूं तो मैं इसका मेंशन करता हूं। ओके, क्या वो आप लोगों ने मूवी देखी है थ्री इडियट वाली, कि पनीर तो कुछ दिन बाद। क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर बताइए। कोई पैराफ्लेशन नाम से कुछ पूछ रहा था बच्चों, पैराफ्लेशन नाम का शब्द होता ही नहीं है, वो तो फ्लेशन नाम से जोड़ के कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की है। सो क्वेश्चन नंबर 150 के बारे में बात करते हैं। देखिए 150 का आंसर मेरी उम्मीद के अनुसार कुछ बच्चों ने दिया, कुछ बच्चों ने नहीं दिए। मैंने आपको बताया था कैलाशनाथ वो जगह है जिसको एसोसिएट किया जाता है शिव जी के साथ, कैलाश मानसरोवर। हाँ जी, पैराफ्लेशन कोई ऐसा टर्म नहीं होता इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में, अगर कुछ मतलब निकलता है तो मैं देख के बता दूंगा, बट एज ऑफ जितना मुझे पता है पैराफ्लेशन नाम का कोई टर्म नहीं होता। तो कैलाश मानसरोवर जो तिब्बत में है वो शिव भगवान के साथ एसोसिएटेड है, तो उसी को रेप्लीकेट करते हुए एलोरा में केव नंबर 16 ये क्या है, कैलाशनाथ टेम्पल है। इसको बनवाया था कृष्णा वन ऑफ राष्ट्रकुटार ने। किसने बनवाया था? कृष्णा वन ने। तो ये एलोरा केव्स का पार्ट है, और ये जो एलोरा केव्स हैं जितनी भी महाराष्ट्र में जो केव्स हैं, ये इसमें से सबसे बड़ी केव यही है। सबसे बड़ी केव यही है, 16th नंबर केव है। टोटल 32 केव्स हैं, टोटल 32 केव्स हैं, और इस केव में आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड, जैनिज्म से रिलेटेड और हिंदुज्म से रिलेटेड तीनों टाइप के केव्स मिल जाएंगे। कहां पे एलोरा केव्स? महाराष्ट्र में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। तो राष्ट्रकूता डायनेस्टी के राजा कृष्णा वन ने, कैसे याद रखना है, कैलाश जो जगह है वो एसोसिएट की जाती है शिव भगवान के साथ,
शिव भगवान का ओरिजिन प्लेस माना जाता है, तो शिव भगवान के साथ साथ दूसरे भगवान का नाम कृष्णा, तो कृष्णा वन याद रखना है। जी हाँ, औरंगाबाद में। सो 150th का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 151, इनमें से सार्क का मेंबर कौन सा नहीं है? Which of the country is not a member of SAARC? आप लोग जो भी थोड़े सीरियस हैं सिलेक्शन के लिए, आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क देता हूं। आप लोगों ने ये याद रखना है, SAARC कब इस्टेब्लिश हुआ, SAARC के कितने मेंबर हैं, एशियान के बारे में आप लोगों ने पढ़ लेना है, G20 के बारे में पढ़ लेना है, ये खुद पढ़ना है, हम भी पढ़ाएंगे, आप लोग भी पढ़ते रहिए। So, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आज कम क्वेश्चन डिस्कस हो पाए हैं, बट मेरे गेस आज जो मेरे को समझाना था आप लोगों को वो शायद समझ में आ गया होगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ा करिए, थोड़ा यूट्यूब पे भी अगर कोई चीज देखा करिए तो देखा करिए कि कुछ करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है नहीं चल रहा है। जो टीवी डिबेट देखते हैं ना न्यूज वाली, वो मत देखिए। जो टीवी डिबेट देखते हैं न्यूज वाली, वो मत देखिए, जिसमें आपको देखते होंगे लड़ाई लड़ाई होता रहता है, हिंदू मुस्लिम एक्स वाई जेड, वो नहीं। बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जो आपको अच्छी न्यूज देते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, राज्यसभा टीवी को फॉलो करिए, राज्यसभा टीवी को फॉलो करिए, आपको बहुत सारी चीजें वहां देखने को मिलेगी। देखिए, SAARC इस्टेब्लिश हुआ 1987 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में। इसके मेंबर है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। चाइना इसका मेंबर नहीं है, इसका मेंबर चीना नहीं है, चाइना इसका मेंबर नहीं है। आठ मेंबर कौन कौन से, सब हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं। मालदीव्स है, श्रीलंका है, उसके बाद अपने अगर वेस्टर्न फ्रंट में हम लोग चलें तो वेस्टर्न फ्रंट पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान हमारे पड़ोसी ये हैं, देन बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल, ये आठ मेंबर जो कि हमारे आसपास के पड़ोसी हैं सब, चाइना को छोड़ के बाकी सारे पड़ोसी जो हैं वो हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, इसके मेंबर में म्यांमार नहीं आता। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एकदम परफेक्टली अल्लाह जी ने बताया। सो आप लोगों के लिए मेरी बस एक ही, आप कह लीजिए सजेशन, कह लीजिए गाइडलाइन, कह लीजिए कि न्यूज आइटम को पढ़िए। करंट अफेयर कोई ऐसी चीज नहीं होती जो आपको रटाई जा सके, आप खुद भी पढ़ेंगे, साथ में इंटर रिलेटेड चीजें हम बताएंगे, बेसिक्स पे अपने काम करिए कि अगर G20 हुआ है तो G20 पता होना चाहिए, G7 होगा तो पता होना चाहिए क्या होता है, एशियान क्या होता है ये पता होना चाहिए, SAARC क्या है ये पता होना चाहिए, IPL हो रहा है भले ही नहीं देखते, ये पता तो होना चाहिए कि कितनी टीम्स हैं, 10 टीमें हैं, पहली बार कब हुआ था ये पता होना चाहिए, ऑरेंज कैप किसको मिलती है, इतना बेसिक आइडिया तो आपको पता होना चाहिए, चाहे आप वो स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं नहीं करते। क्योंकि एग्जामिनर ये देख के नहीं सवाल बनाता, एग्जामिनर ये देख के सवाल बनता है कि न्यूज में था तो सवाल पूछ लिया जाए। जी हाँ, म्यांमार एशियन का मेंबर है, एनसीबी पे सवाल बनाएगा, दिल्ली असेंबली पे सवाल बन सकता है। तो आप लोग खुद प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिए, मैं आप लोगों को ऐसे ही और गाइड देता करता रहूंगा, इनसाइट देता रहूंगा। अब आपके ऊपर है कि ये सातों टॉपिक आप सुन के भूल जाएं, या आप इन सातों के ऊपर खुद रिसर्च करें और सवाल पूछे अगली बार मेरे से। चलिए, थैंक यू आज की क्लास पे, आज इसको यहीं रैप अप करते हैं। उम्मीद है मैं आप लोगों का 1 आवर जस्टिफाई कर पाया। थैंक यू एवरीवन। जब विनर होगा तो विनर का नाम भी याद कर लेंगे।
ओके जी, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हमारी ये क्लासेस होती हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। गुड नाइट एवरीवन।